और दोस्त क्या हाल है आप सभी को हमारी साहिल के खजाने की खोज की सीरीज बहुत पसंद आ रही है। तो दोस्त आज साहिल के खजाने की खोज का लास्ट एपिसोड है और आज हम देखेंगे कि साहिल को खजाना मिलता है या नहीं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शाहिल शीजो के साथ उसके घर जाता है जहां वो शीजो की मम्मी को ठीक करता है और शीजो की मम्मी उसे एक उड़ने वाला लॉकेट देती है। फिर साहिल एलियन पुलिस के पास जाता है ताकि वो उसे अर्थ पर वापस भेज दे। फिर एलियन पुलिस साहिल का टेस्ट करती है और साहिल सभी टेस्ट में पास हो जाता है और अर्थ पर आ जाता है। गुफा से निकलकर साहिल खजाने की ओर निकलता है तभी उसके पीछे एक शेर आ जाता है। साहिल भाग कर पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि नीचे नदी में तो क्रोकोडाइल और पेड़ पर सांप है। अब साहिल क्या करे, कैसे बचे? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करें और सारे रिडल सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाना। साहिल इस सिचुएशन में कुछ भी करेगा तो वो खतरे से खाली नहीं होगा। तभी साहिल को याद आता है कि उसके पास तो एलियन का दिया हुआ लॉकेट है जिसकी मदद से वो 5 मिनट के लिए उड़ सकता है। तो दोस्त साहिल ने वो लॉकेट लिया और उसका बटन प्रेस किया और उड़कर बाहर निकल गया। साहिल फिर एक गांव में जा पहुंचता है। वहां जाकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां आ गया है। उसे खजाने की तरफ जाने का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था तो वो किसी इंसान को ढूंढने लगा जो उसे बता सके कि वो किस जगह पहुंच गया है। थोड़ी दूर चलने पर उसे कुछ कॉलेज के बच्चे दिखते हैं। वो उनके पास जाता है तो देखता है कि एक लड़की का तो मर्डर हो गया है जिसका नाम टीना है। वहाँ तो पुलिस भी आई हुई है। पुलिस वहाँ मौजूद कॉलेज स्टूडेंट से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे और टीना कैसे मरी। संजय जो टीना का दोस्त है वो पुलिस को बताता है कि हम चारों लोग तो कॉलेज फ्रेंड्स हैं। हम तो यहाँ कैंपिंग पर आए थे और हम सब रात में टेंट में सो रहे थे। आज हमने सुबह देखा तो टीना की लाश पड़ी हुई थी। राहुल बताता है कि रात में जब सब सोने गए थे हम तो मैं भी चला गया था और उसके बाद सुबह उठने पर मुझे टीना के बारे में पता लगा। रश्मि बोलती है यहाँ बाहर बहुत सांप है इसलिए मैं डर के मारे रात भर अपने टेंट में ही छुपी हुई थी। मुझे तो बहुत डर लगता है इसलिए मैं बाहर ही नहीं निकली। पुलिस कंफ्यूज है कि टीना कैसे मरी। तो दोस्त क्या आप बता सकते हो कि टीना का मर्डर हुआ है या ये एक सुसाइड है या कुछ और। तो दोस्त बॉडी को ध्यान से देखने पर साहिल समझ जाता है कि टीना का मर्डर नहीं हुआ है। वो देखता है कि उसकी गर्दन पर सांप के काटने का निशान है जिससे पता चलता है कि ये एक एक्सीडेंट है। तो दोस्त क्या आपको इसका आंसर पता चला था। साहिल पुलिस को बताता है कि टीना को सांप ने काटा है तो पुलिस साहिल को थैंक्स करती है और साहिल उनसे उस जगह के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि ये वीरपुर गांव है जिसके बाद साहिल वहां से चला जाता है तो उसे एक अजीब सा आदमी दिखता है जो एक बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा है। साहिल उसके पीछे उस बच्चे को बचाने के लिए भागता है लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है उस आदमी ने उस बच्चे की कॉपीज बना दी है यानी कि क्लोन कर दिया है। वो आदमी एक साइंटिस्ट है और वो पागल साइंटिस्ट साहिल को देखते ही भाग जाता है। अब साहिल को उस बच्चे को बचाना होगा पर साहिल के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि कौन सा बच्चा असली है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके साहिल की मदद जरूर करें। तो दोस्त क्या आपको पता चला कि असली बच्चा कौन है। नहीं तो ये देखो ये बच्चा असली है क्योंकि बाकी बच्चों में कुछ अजीब सी पावर्स है। साहिल उस बच्चे को टैंक से निकालता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। बच्चा उसका शुक्रिया अदा करता है। साहिल बच्चे से उसका नाम पूछता है। बच्चा बताता है कि उसका नाम प्रसून है। साहिल कहता है प्रसून ये तो बहुत अच्छा नाम है। साहिल पूछता है कि तुम्हारा नाम किसने रखा और वो बताता है कि मेरे पापा ने। साहिल बच्चे को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में बच्चा साहिल को बताता है वो लोग पहले बहुत अमीर थे उसके पापा यहाँ के राजा थे लेकिन एक युद्ध में उसके पापा यानी कि राजा की मौत हो गई और उनके सारे राज खजाने का पता भी उनकी मौत के साथ एक राज बन गया। अब किसी को नहीं पता कि हमारे गांव का खजाना कहाँ है और धीरे धीरे करके हम गरीब हो गए और हमारा गांव भी। साहिल समझ जाता है कि शायद जिस खजाने को वो ढूंढ रहा है वो उसी गांव का है। साहिल प्रसून को बताता है कि उसके पास एक खजाने का नक्शा है और शायद वो खजाना तुम्हारे गांव का ही खजाना है प्रसून। साहिल प्रसून को भी खजाने की खोज में शामिल कर लेता है और दोनों खजाने के नक्शे मुताबिक समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। पर अब उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है कि खजाना कौन से आइलैंड पर है क्योंकि सामने दो आइलैंड एक आइलैंड पर पायरेट्स हैं और दूसरे आइलैंड पर आदिवासी। तो साहिल सोचता है कि अगर राजा ने खजाना छुपाया होगा तो कहाँ छुपाया होगा इन दोनों आइलैंड्स में से किस में जाना सेफ है। तो दोस्त क्या आप बता सकते हो कि साहिल और प्रसून किस आइलैंड पर जाएं जहाँ जाने पर उनकी जान को खतरा ना हो। अपना आंसर कमेंट जरूर करें। तो दोस्त साहिल और प्रसून पहले वाले आइलैंड पर जाने की सोचते हैं क्योंकि अगर वो आदिवासी वाले आइलैंड पर जाएंगे तो वो उन्हें मार देंगे लेकिन अगर वो पायरेट्स वाले आइलैंड पर जाएंगे तो उनसे अपनी भाषा में बात भी करी जा सकती है लेकिन आदिवासी उनकी बात नहीं समझेंगे
तो इसके बाद साहिल और प्रसून पायरेट्स वाले आइलैंड पर चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को एक पायरेट पकड़ लेता है और रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम दोनों यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें मुझसे पहेलियों का युद्ध करना होगा, और अगर उसमें तुम हार गए तो तुम्हें मार दूंगा, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने दूंगा। साहिल और प्रसून के पास आगे जाने के लिए पहेलियों का युद्ध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो वो पहेलियों के युद्ध करने के लिए हाँ कर देते हैं। पायरेट साहिल से पूछता है, बताओ साहिल, 1 किलो रुई और 1 किलो सोने में क्या भारी होगा? तो दोस्त, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट जल्दी से करो और साहिल और प्रसून की मदद करो। तो दोस्त, इसका आंसर है कि दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का वजन तो सेम, वो है 1 किलो, और साहिल ने भी इसका सही जवाब दिया। अब साहिल सवाल करता है, वो पायरेट से पूछता है, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसमें बहुत से छेद हैं पर फिर भी उसमें से पानी नहीं गिरता? सोचो सोचो। तो दोस्त, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर करो, देखते हैं पायरेट जवाब दे पाता है कि नहीं। तो दोस्त, इसका आंसर पायरेट ने दिया, स्पॉन्ज। उसमें छेद होते तो हैं, पर वो फिर भी पानी को पकड़ कर रखता है। अब पायरेट सवाल करता है, एक लड़का 40 फीट लंबी सीढ़ी से गिर जाता है और फिर भी उसको चोट तक नहीं आती, बताओ कैसे? तो दोस्त, अपना जवाब कमेंट जल्दी से करो। तो दोस्त, साहिल इसका जवाब बहुत ही आसानी से देता है और वो बोलता है कि लड़की सीढ़ी के सबसे नीचे वाले हिस्से से गिरी होगी, इसलिए उसे चोट नहीं आई। जिसका जवाब देने के बाद साहिल अपना सवाल पूछता है, क्या कोई आदमी 10 दिन तक बिना सोए रह सकता है? आपका क्या कहना है, कमेंट करो। पायरेट जल्दी से जवाब देता है, नहीं। साहिल कहता है, दोस्त तुम हार गए, क्योंकि इसका आंसर है हाँ, रह सकता है। हम सब सिर्फ रात को ही तो सोते हैं और दिन में तो बिना सोए रह सकते हैं। साहिल जीत जाता है और पायरेट उसे शांति से आगे जाने देता है। अब साहिल और प्रसून एक गुफा में जाते हैं, उन्हें वहाँ एक खजाने की पेटी दिखाई देती है पर उस पर ताला लगा है। वहीं सामने 3 चाबियां भी हैं, एक गोल्डन, एक सिल्वर और एक ब्लैक। वहीं एक क्लू भी जिस पर लिखा है कि एक चाबी उठाने पर बाकी चाबियां टूट जाएंगी, जिसका मतलब साहिल के पास ताला खोलने का बस एक ही चांस है। और क्लू में देखकर उसे समझ में ही नहीं आ रहा। क्या आप साहिल को सही चाबी ढूंढने में हेल्प कर सकते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्त, एक्चुअल में ये क्लू जंबल वर्ड्स है जिनको सही क्रम में लगाने से ये बनता है द गोल्डन की। इसके बाद साहिल वो गोल्डन की उठाता है, तभी बाकी दोनों चाबियां टूट जाती है। साहिल उस चाबी से ताला खोलता है लेकिन उसमें खजाना होता ही नहीं है, एक चिट्ठी होती है जिसमें लिखा है, खजाना मिलेगा वहीं जहां है मेरा घर। साहिल और प्रसून समझ जाते हैं कि ये राजा ने ही लिखा है। इसके बाद वो राजा के घर यानी कि राजमहल जाते हैं, जो राजा की मृत्यु के बाद सालों से बंद पड़ा है। साहिल और प्रसून सारे दरवाजे खोलते हैं और उन्हें एक दरवाजा मिल जाता है जो बंद है और उस पर एक क्लू लिखा है, ये दरवाजा मेरे बेटे के नाम से ही खुलेगा। लेकिन वहाँ पर ना तो कोई कोड मशीन है जिस पर राजा के बेटे यानी प्रसून का नाम लिखे, तो आखिर दरवाजा खुलेगा कैसे? वहाँ आसपास कुछ नहीं है, बस एक फूल का गमला है, एक पत्थर है और एक रस्सी। तो दोस्त, क्या आप बता सकते हो कि प्रसून के नाम से ये दरवाजा कैसे खुलेगा? तो दोस्त, साहिल समझ जाता है कि राजा ने अपने बेटे का नाम प्रसून क्यों रखा, क्योंकि प्रसून का मतलब होता है फूल। और उस दरवाजे को खोलने के लिए साहिल फूलों के गमले को हिलाता है और वो दरवाजा सच में खुल जाता है। अब साहिल और प्रसून कमरे में घुसते हैं जिसमें बहुत सारा सोना पड़ा है। तो दोस्त, आज का सवाल ये है कि क्या अब साहिल को एक खजाना लेना चाहिए या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? देखते हैं कितने लोग हाँ करते हैं और कितने लोग ना।